नवजीवन संघ द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरस्वती पूजन का आयोजन शनिवार को मुरन पश्चिम सेंट पायस के सामने स्थित उद्यान में किया गया था, जहां भारी तादाद में भक्त उपस्थित थे। वसंत पंचमी का शुभ अवसर होने पर इस दौरान पौधारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। वसंत पंचमी के दिन देश भर में मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस पर्व को वसंत मौसम की शुरुआत का सूचक माना जाता है। यह त्योहार बंगाल में काफी महत्व रखता है और धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल में बाकी त्योहार एक तरफ और वसंत पंचमी का त्योहार एक तरफ, वसंत पंचमी के दिन को काफी शुभ माना जाता है। इसी तरह मुरन में भी सरस्वती पूजा का आयोजन हर्षोल्लास व भक्तिभाव से किया गया। उल्लेखनीय है कि कोरोना के चलते सभी त्योहार पर्व पूजा पाठ सादगी से मनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुरन पश्चिम सेंट पायस के सामने स्थित उद्यान में 5 फरवरी को सरस्वती पूजन का आयोजन किया गया था। सरस्वती माँ विद्या की देवी है, इसी के तहत बसंत पंचमी के मौके पर उनकी पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरित किया गया। कोरोना के मद्देनजर सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस वर्ष सरस्वती माँ की 4 फीट की मूर्ति विराजमान की गई थी। नवजीवन संघ का यह 10वां साल है और इस पूरे समारोह के आयोजक पिनाकी सारंगी है। वही 6 फरवरी को देवी का विसर्जन किया जाएगा। ये हमारा 10वां साल का सरस्वती माता का पूजा है। बसंत पंचमी में हर साल हम लोग करते हैं ये कार्यक्रम। हमारा इसमें एक ही ये रहता है कि जितने भी बच्चे हैं, ये विद्या की देवी है तो बच्चा लोग जितने भी हैं, जो स्कूल जाने वाले हैं, उन लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं इस चीज़ को और एक दूसरे से मिलते हैं आके। तो ये मेनली क्रिएटिविटी का देवी है, विद्या की देवी है, इससे इंस्पिरेशन मिलता है बच्चों को। साथ में समाज में जितने भी लोग हैं उसमें हारमोनी भी बढ़ता है इससे। तो देवी का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, एक दिन का पूजा रहता है। गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस के वजह से हम लोग ने ये मूर्ति जो है 4 फुट का ही किया है, जो टोटल 4 फुट का मूर्ति है। और पूजा होने के बाद में शाम को आरती करते हैं, फिर नेक्स्ट डे इसको हम लोग विसर्जन कर देते हैं। हमारी संस्था यहाँ पूजा हर साल करती है, तो नेफडो करके एक संस्था हमको कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बोला कि हम लोग ये वृक्षारोपण का काम करते हैं। तो हमको, हमारे संस्था को लगा कि ये बहुत अच्छा काम है, बिकॉज ये होने से क्या है, इन्वायरमेंट में पेड़ पौधा लगने से ऑक्सीजन वगैरह का जो कमी हो गई है, और जो हमने पीछे पैंडमिक में देखा कि काफ़ी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ है, उसके वजह से ये संस्था को हमने अलाउ किया हमारे साथ में ये करने के लिए। और एक मैसेज देने की कोशिश की सोसाइटी में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृक्षारोपण करें और स्वच्छ रखे अपना इन्वायरमेंट को, सो दैट कि आगे हमको किस तरह का प्रॉब्लम नहीं ये फेस करना पड़े। आज वसंत पंचमी है और यहाँ सरस्वती पूजन हो रहा है, ये 10 साल से यहाँ करते हैं। इसी अवसर पर नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन व मानवता विकास संस्था नेफडो द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जहाँ समाज सेविका माया कोठारी, गिरीश कोठारी, नगर सेविका समिता कामले, विनोद कामले, बाबूलाल सिंह, शरीफ खान, संस्था के प्रकाश कदम के साथ ही अन्य गणमान्य उपस्थित थे और उनके हस्ते पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। पहले तो सबको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभेच्छा। वसंत पंचमी यानी उसमें एक हम सरस्वती जी की भी पूजा करते हैं, सरस्वती यानी ज्ञान की देवी, तो उसकी भी हम पूजा करते हैं। और साथ में वसंत पंचमी यानी प्रकृति का, तब से वो उसमें बदलाव आता है, इतने दिन जो ठंडी रहती है वो थोड़ी थोड़ी गर्मी आ जाती है और प्रकृति का पूरा निखार अलग होता है। सब झाड़, बड़े बड़े झाड़ है उसमें मांजर आते हैं, केरी और उसमें फूल फ्रूट वो सब आने की शुरुआत होती है, यानी वसंत पंचमी से सब पूरी प्रकृति में बदल आता है। और इसके लिए आज यहाँ पे जो ट्री प्लांटेशन हुआ है, मैं यही शुभकामना दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करके हमारी जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर हमें कम करना है और वो टेम्परेचर बचाने के लिए, और हमें नैसर्गिक रूप से ऑक्सीजन मिले इसके लिए भी पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज उन्होंने बहुत ही बड़ा उपक्रम किया है यहाँ पे पौधे लगा कर, और यही एरिया को भविष्य में वो लोग पूरा गार्डन बनाना चाहते हैं, तो हम उन्हें मदद कर सकते हैं, करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन
मानवता विकास संघ, तो महाराष्ट्र राज्य का मैं उपाध्यक्ष हूँ। और इस प्रोग्राम में पिनांगी सारंगी साहब ने हमें बुलाया है और उनके कहने पर इनका जो आज प्रोग्राम हो गया है, और पूरे मेहमान और पूरे जो समस्त यहाँ लोग आए हैं, तो इस प्रोग्राम में हम नेपड़ो की तरफ से उन्होंने हमें बुलाने पर हम लोग यहाँ आए हैं। और ये जो नेपड़ो संस्था है, वो नेपड़ो संस्था ये जो है वो नैसर्गिक पर्यावरण का संवर्धन और इस संवर्धन के लिए, जैसे कि आप मालूम है कि पूरे विश्व में हमें ये जो नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन के जरिए हम लोग आप ग्लोबल वार्मिंग है या पूरे, जैसे कि आपने 2 साल पहले देखा है कि कोरोना पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस कोरोना में हमने क्या किया था, हमसे बहुत से गलती हुई है, जो हमने पेड़ काटे हैं, पेड़ का बहुत नाश किया है, उसके लिए हमें बहुत जो प्राणवायु है बहुत हमें कम हुआ है, मतलब उसका हमने जो लेवल है कम कर दिया है, झाड़ गने से वो प्राणवायु की कमतर की वजह से हमारी बहुत से कोरोना में जाने चली है। तो ये हुआ है कि हमने बहुत से वृक्ष काटे हैं, वृक्ष को नाश किया है, हम जो टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ कर रहे हैं मगर वो टेक्नोलॉजी को देते हुए हम पर्यावरण संरक्षण का कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, इसकी वजह से हमारी ये पूरी आपदा आई है। और इसे हमें ध्यान में रखना है कि आज जैसे हमारे सर ने हमें इन्वाइट किया है, तो हम ये करना चाहेंगे कि नेपड़ो की तरफ से ज़्यादा लोगों को ये पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता करें, लोगों में वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और जो प्राणवायु है उसे हम पूरा करें। इसलिए हमें ये जरूरी करना है कि हम नेचर की तरफ, निसर्ग की तरफ ज़्यादा से ध्यान दें। हमारे जो विद्यार्थी है, हमारे जो समाजसेवी है, जैसे ये इनकी जो संस्था है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पर्यावरण की तरफ जाए, नेचर की तरफ जाए और संवर्धन करने की हम कोशिश करें, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को अच्छा रास्ता से कहो प्राणवायु, जो ऑक्सीजन है, CO2 है, इसकी प्राण मात्रा बढ़ाए, जैसे कि हमारे पीढ़ी को हमारा भविष्य बन जाए।